जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं APS यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस रिकॉर्ड कामटी हेडक्वार्टर की तरफ से निकाली गई नई वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, APS कामटी हेडक्वार्टर में आपको MTS की और LDC की नई वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, सभी जानकारियाँ जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है आर्मी पोस्टल सर्विस रिकॉर्ड्स कामटी महाराष्ट्र। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया ग्रुप सी की यानी कि दोस्तों LDC की और MTS की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। दोस्तों, जर्नल में दोनों वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 1 का, और अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा। इसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th पास आउट यानी कि 12वीं पास आउट होना चाहिए, और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एज लिमिट जो है आपकी 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में रहेगी अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे चलकर आपको कुछ जानकारी दी गई है। अगर बात करते हैं एड्रेस की, तो देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है APS हेडक्वार्टर्स कामटी PO कामटी डिस्ट्रिक्ट नागपुर महाराष्ट्र 44100। तो दोस्तों, इस एड्रेस पर आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको सेंड करना होगा। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपकी जो लास्ट डेट होगी 18 नवंबर, 18 नवंबर से पहले आपका एप्लीकेशन लेटर पहुंच जाना चाहिए। आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर आप बताया गया है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट, आपके डोमोसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके फोटो आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सेंड करने होंगे। और दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन लेटर अगर टपाटा पाएगा, इनकम्प्लीट पाएगा या फिर इस विदाउट सिग्नेचर पाएगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा एक पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन दोस्तों, फिल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, इस नाम से आपको एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी फीस के डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप LDC के लिए या फिर MTS के लिए, आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होगी, आपके फोटो रिसेंट होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका फुल पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जो है, आपका विलेज टाउन सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। नेशनलिटी में आपको सिर्फ इंडियन लिखना होगा। रिलीजन में आप अपना धर्म लिखेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। कास्ट में आप कौन सी कैटेगरी से या कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेक्स में आप मेल है, फीमेल है, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों, ये सभी जानकारी फिल करने के बाद देखिए, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। दोस्तों, यहाँ पर दो डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, इन फिगर्स और इन वर्ड्स, यानी कि पहले आपको सिंपल जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी होगी, इसके बाद वर्ड्स में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको नेम ऑफ एग्जाम यानी आपने 10वीं की है, 12वीं की है या फिर और कोई डिग्री की है, वो किस ईयर में पास की थी, किस बोर्ड से पास की थी, परसेंटेज क्या थी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों, आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो भी इसी के साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है यानी कि आपने कोई BTEC कर रखी है, ITI कर रखी है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये दोस्तों डिक्लेरेशन है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर नाम और डेट डालनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वैकेंसी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अप्लाई कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली ऑफलाइन और ऑनलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।